लीन मसल मास कैसे पुट ऑन किया, मैंने इधर से इधर ट्रांसफॉर्म कैसे किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ट्रेनिंग अप्रोच फॉलो किया, कौन सा सप्लीमेंट लिया, अगर मास गेनर लिया है कि नहीं, और यू नो क्या डाइट था, क्या अप्रोच था, कंप्लीटली बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा लीन मसल मास कैसे पुट ऑन करे करके। डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोना हेल्प ऑल दो स्किनी पीपल और पीपल हु आर लुकिंग टू पुट ऑन लीन मसल मास। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ा है, उसके बाद आई केम टू नो द रियल फैक्ट, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन लीन मसल मास, एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सब नॉलेज देना चाहता हूं ताकि आप लोग भी लीन मसल मास पुट ऑन करो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक नया व्यूअर हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। Without wasting any time, let's start off with the video. जब lean muscle mass put on करने का बात आता है या weight put on करने का बात आता है, very important thing to be noted is आपको extra fat नहीं put on करना है, right? Lean muscle mass put on करना है, that is very important. And for this, your nutrition, diet and supplementation is very very important. So हम तीन parts में divide करेंगे, मैं हर एक चीज explain करूँगा. First we'll talk about ट्रेनिंग। कंसिडर यू आर अ स्किनी गाय और कंसिडर यू वॉन्ट टू पुट ऑन मसल, क्या ट्रेनिंग अप्रोच रहना चाहिए। देखो आपको मसल पुट ऑन करना है तो आपको भी पता है वेट ट्रेनिंग करना है, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, राइट? लेकिन कैसे करें? ई गोल्डन रूल्स टू पुट ऑन मसल मास। फर्स्ट थिंग, जो भी ट्रेनिंग स्प्रिट आप फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर यू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड का मतलब ये है, अगर आप इस हफ्ता, सिंपल से बताता हूँ ठीक है, अगर आप इस हफ्ता 10 केजी उठा रहे हो डंबल कर्ल्स में, बाइसेप डंबल कर्ल्स में, आपको नेक्स्ट वीक उसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप ग्रोथ नहीं करोगे। सो यू हैव टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, एवरी वीक हैवी हैवी उठाना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे डंबल्स वेट ही खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। सी फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 10 केजी उठा रहे हो, नेक्स्ट वीक आप 12 केजी उठाओगे, 12 केजी के बाद आप 15 केजी जाओगे, लेकिन आप 15 केजी के बाद आपको 20 केजी कर्ल्स करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तब क्या करो? 15 केजी में अगर आप 10 रेप्स मार रहे थे उसको 12 कर दो, समझ में आ रहा है? तो ये है प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। हर वेट बढ़ाना यस, बट देन मेक श्योर आप कंफर्टेबली उठाओ एंड फॉर्म बराबर हो, इसलिए रेप्स भी थोड़ा बढ़ा दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 15 रेप्स के ऊपर चले जाओ, ये प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। सेकेंड थिंग, कॉम्पाउंड लिफ्ट्स। कॉम्पाउंड लिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लोग बोलेंगे कॉम्पाउंड लिफ्ट्स तो करना जरूरी नहीं है, डेडलिफ्ट करने से ही बैक नहीं ग्रोथ होता है, यू कैन डू पुलअप्स, यू कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यस आई एग्री ऑन दैट, मसल बिल्ड होगा, लेकिन कॉम्पाउंड लिफ्ट्स क्यों पता है? अगर आप एक बिगिनर हो या यू नो इंटरमीडिएट हो, कॉम्पाउंड लिफ्ट्स करने से एक मसल ग्रुप टारगेट नहीं कर रहे हो, तीन या चार मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हो, जैसे कि आप डेडलिफ्ट मार रहे हो, आप बैक टारगेट कर रहे हो, आप हैमस्ट्रिंग टारगेट्स कर रहे हो, आप ग्लूट्स टारगेट कर रहे हो, तो तीन से चार मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप हैवी डेडलिफ्ट कर रहे हो, आपके आर्म्स भी टारगेट हो रहा है, तो इसलिए कॉम्पाउंड लिफ्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आपकी कॉम्पाउंड लिफ्ट, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया, जैसे कि ओवरहेड प्रेस हो गया, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, इस सब में भी प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, उसको ट्रैक करो। मतलब इस हफ्ता 100 केजी उठाया तो नेक्स्ट हफ्ता की टारगेट है 105 केजी, तो उसको ट्रैक करके रखो सो दैट यू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, राइट? ये हो गया, ये समझ में आ गया। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दो टाइप की ट्रेनिंग है ठीक है, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग में, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पावर लिफ्टिंग टाइप ट्रेन करो, जैसे कि आपकी रेप्स है 5-8 रेप्स मैक्स, उसके ऊपर ना जाए। हाइपरट्रॉफी में रेप्स 15-16 तक जाता है, दिस इज द डिफरेंस, वेट थोड़ा कम रहेगा, राइट? दिस इज द मेन डिफरेंस। क्या अप्रोच फॉलो किया? बेसिकली मैंने ये अप्रोच फॉलो की, सी आई टेल यू सिंपल फैक्ट, मैं बताता हूँ ठीक है। साल में 12 मंथ्स है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 मंथ्स आई गो फॉर हाइपरट्रॉफी, 3 मंथ्स आई गो फॉर स्ट्रेंथ। जब हाइपरट्रॉफी का बात आता है, मैं उतना हैवी लिफ्टिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ, 15-16 रेप्स में रखता हूँ मेरा रेंज, 12-15 रेप्स। जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आता है ना, 3 मंथ्स का ब्लॉक है, उधर मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। यस, तो आपको आइडिया आ गया। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू डू दैट, आपकी गोल क्या है?
मेरा गोल ये है मैं स्ट्रांग भी हो एंड ऑल्सो बिल्ड मसल, इसलिए मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूँ। आप दोनों को भी साथ में कर सकते हो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, उसको बोलते हैं पावर बिल्डिंग, लेकिन मुझे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है टाइम मैनेजमेंट, इसलिए मैं मिक्स करता हूँ दोनों। ऐसा नहीं है कि जब मैं हाइपरट्रॉफी करता हूँ डेडलिफ्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं 1 rep max या 2 rep max में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। सो होपफुली आपको आइडिया आ गया। तो आप सेलेक्ट करो आपकी आपको हाइपरट्रॉफी चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए या दोनों साथ में चाहिए। स्प्लिट टू फिनिश ऑफ द ट्रेनिंग, बेस्ट स्प्लिट पुल पुश लेग्स बेस्ट स्प्लिट है। ऐसा नहीं है कि ब्रो स्प्लिट फॉलो करने से मसल बिल्ड नहीं होगा, लेकिन पुश पुल लेग्स में क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है। What do I mean by time? आप 2 बार आपकी मसल ग्रुप हिट कर सकते हो या 2 से 3 बार भी चांसेस है, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। तो इसलिए मैं पुश पुल लेग्स सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको पुश पुल लेग्स वीडियोस चाहिए तो मेरा ऑलरेडी पुश पुल लेग्स मैंने अपलोड किया है, मेरा वर्कआउट का हाई वॉल्यूम वर्कआउट जिधर मैं हाई वॉल्यूम करता हूँ सब कुछ अपलोड किया है, प्लेलिस्ट इधर डाल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, तीनों का तीनों एक्सरसाइज है। बात करते हैं डाइट के बारे में, व्हाट शुड बी योर डाइट। देखो अगर आप स्किनी हो ठीक है और आपको वेट गेन करना है या मसल पुट ऑन करना है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैलोरिक सरप्लस। कैलोरिक सरप्लस में खाना पड़ेगा। अभी कैलोरिक सरप्लस में खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अगर आपको फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है मसल पुट ऑन करना है, फर्स्ट आपको मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढ लिया, अगेन मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, आपको आपका बॉडी वेट इन केजीज इंटू 22 इंटू 1.5, रफ एक मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगा। आप इसको एक हफ्ता चलाओगे, एक हफ्ता ऐसे इतना कैलोरीज खाओगे तो आपको पता चल जाएगा कम करना है ज़्यादा करना है, रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। उसके बाद लीन गेन के लिए आपको 300 से 400 कैलोरीज बढ़ाना पड़ेगा। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम मेटाबॉलिज्म टू मेटाबॉलिज्म। बहुत लोगों को वेट गेन ज़्यादा से जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मी, मुझे वेट गेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ आई ईट अराउंड 300-400 सरप्लस वेट गेन हो जाएगा। बहुत लोगों को 300-400 सरप्लस बस नहीं होता है, तो व्हाट यू हैव टू डू 500-600, वो आप जैसे खाओगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे बढ़ाते जाओ। सो वंस दैट इज डन आपको कैलोरिक आइडिया मिल जाएगा। बाद में मैक्रोन्यूट्रिएंट सेट करना बहुत दिक्कत की बात नहीं है, इजी है। एज आई ऑलवेज टेल, 2 grams per kg, 2 grams protein per kg ऑफ योर बॉडी वेट, 25-30% फैट ऑफ योर टोटल कैलोरीज, फाइनली जो भी रिमेनिंग है वो कार्ब्स है। अगर जैसे मैंने बोला आप स्किनी हो एंड आपको कैलोरीज बढ़ाना है तो आप प्रोटीन को सेम रखो, अपनी फैट्स और कार्ब्स को बढ़ा दो। 25-30% फैट से उसको 40-45 कर दो, क्योंकि उसमें आपको कैलोरीज इजीली स्पाइक होगा। एंड नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, धीरे 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 50-100 ग्राम बढ़ाते जाओ। श्योर यू हिट योर गोल्स, जो मैक्रोस है वो हिट करना पड़ेगा, एक दिन दो दिन से नहीं होगा, 3-4 महीना कंटिन्यूस हिट करोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सप्लीमेंट्स, लीन गेन के लिए क्या सप्लीमेंट्स यूज करें, मसल पुट ऑन करने के लिए क्या सप्लीमेंट्स यूज करें। मास गेनर, इज इट द बेस्ट सप्लीमेंट आउट देयर टू पुट ऑन लीन मस? माई सजेशन वुड बी नॉट यूज मास गेनर। कब तक? अंटिल एंड अनलेस यू कैन हिट योर कैलोरीज। अगर आप स्किनी हो तो भी आप आपकी कैलोरीज खाने से हिट कर सकते हो, तो मेक श्योर यू ट्राई हिटिंग योर मैक्रोस विद योर होल फूड, राइट? अगर आप होल फूड में नहीं हो रहा है, अगर 5000 कैलोरी से भी ऊपर खाना है वेट गेन के लिए, ओनली देन गो फॉर अ मास गेनर, और एल्स इट इज़ वेरी इजी। आप स्मार्ट बनो, डेफिनेटली आपको इजी रहेगा लीन मसल मास पुट ऑन करना खाने से, घर में जो बनाया वही खाने से आप पुट ऑन कर सकते हो, यस। एंड अगर आपको एक लीन मसल मास पुट ऑन करने के लिए डाइट प्लान चाहिए, फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बता दो, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। आई वोंट यूज एनी फैंसी प्रोडक्ट, जो भी घर में है वो ही यूज करके बनाऊंगा। जो मैं हॉस्टल में था, जो मैं क्लास जब क्लास में जा रहा था, वही मील्स खाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा ताकि आपको भी एक आइडिया मिले। की बात करते हैं एक्चुअल सप्लीमेंट्स। देखो 3 सप्लीमेंट्स जो मैं सजेस्ट करता हूँ लीन गेन के लिए, थिंग इज वे प्रोटीन, अगर आप आपकी प्रोटीन इनटेक हिट नहीं कर पाते हो डाइट से। सेकेंड थिंग क्रिएटिन, क्रिएटिन इज मस्ट। अगर आपको हेयर फॉल का इश्यूज नहीं है और आप यू आर नॉट प्रोन टू किडनी डिजीजेस, देन यू कैन गो फॉर क्रिएटिन, यस। अगर आपको क्रिएटिन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, इधर है प्लेलिस्ट, आप चेक कर सकते हो, सॉरी इधर है वीडियो, आप चेक कर सकते हो। सो क्रिएटिन, नेक्स्ट थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो वो है अश्वगंधा या गोक्षुरा। यस इट हैज हेल्प मी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगेन इट इज नॉट नेसेसरी, कंप्लीटली नॉट नेसेसरी। मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प किया है,
only that is why it is not, I'm not promoting any brand, I'm not telling you to use any test booster, I'm just suggesting because I felt a slight difference. Iske alawa koi aur supplement nahi chahiye. Aap log ko ye video pasand aaya hai to do give it a thumbs up. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. होपफुली आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है. अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर द वीडियो. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से. अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर.